साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप मेरी लिखी हुई अब तक की बेस्ट ई बुक आप फ्री में पा सकते हो। इसीलिए जरूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। उसमें वीडियो के बीच में कहीं भी आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को आप नोट करिएगा, फिर फेसबुक पे फाइंड करिएगा मेरा पेज जोगल राजा लव टिप्स। आपको उस पेज को फॉलो करना है एंड बस वो कोड मुझे मैसेज कर देना। हर दिन 3 लकी लोगों को मैं फ्री में उनके नंबर लेकर उनको व्हाट्सअप पे ई बुक सेंड करूँगा। थैंक यू सो मच। एक रिश्ते में दो लोग मिलते हैं, पहले बहुत हंसते हैं, उसके बाद एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रुलाते हैं एंड फिर अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दो समझदार लोग मिलके एक रिलेशन को संभाल नहीं पाते, और एक रिलेशन को संभालने के लिए दोनों लोगों की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। एंड ज़्यादातर बार लोगों की अपनी रिलेशनशिप की गलत आदतों के कारण वो रिलेशनशिप कभी बनता नहीं, हमेशा बिगड़ता रहता है। उनकी गलत आदत, उनके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता, उसके बाद उसी रिलेशन को सही करने के लिए, उसी रिलेशन को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। पर अगर एक रिलेशन में दो पार्टनर की अच्छी कुछ आदतें हो तो फिर भी उनको इस रिलेशन को हमेशा बेटर रखने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अच्छी आदतों के कारण ही उनका रिलेशन हमेशा बेटर बनता जाएगा। एंड इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी अच्छी आदतों के बारे में बताऊंगा जो अगर आप अपने रिलेशन में रियल में अपने आप में लाते हो तो ये आपके रिलेशन को हमेशा बेटर बनाने की आप दोनों की हेल्प करेगा। तो बात करते हैं कि रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी अच्छी आदतें हैं जो आप दोनों को ज़रूर अपनानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जब आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट होती है तब याद रखो कि आप किस चीज़ के बारे में आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। अब जाहिर सी बात है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो तो कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है, कि कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ये प्रॉब्लम है इस टाइम पे, तो लोग स्टार्ट तो वहाँ से करते हैं लेकिन धीरे धीरे पहुँच जाते हैं बहुत आगे कि तू तो पहले से ऐसा, तेरा तो ये है वो है, यहाँ पर भी ये हुआ तो हुआ, बहुत सारी चीज़ें ना मिक्स कर देते हैं। अब आर्ग्यूमेंट तुम कर रहे हो, ठीक, तो इसमें याद रखना कि आपका जो गोल होना चाहिए ना कि भाई हमें ना इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है, उलझा देना नहीं है। अभी क्या होगा कि जो मेन मुद्दा था वो मुद्दा ही यहाँ से बाहर निकल गया तो बहुत सारी चीज़ अंदर आ गई, तो सॉर्ट आउट तो कुछ होगा नहीं, लेकिन एक दूसरे के मन में ना कड़वाहट भर जाएगी। दो चीज़ें उल्टी हो रही, देख रहे, एक तो चीज़ जिसके कारण ये चीज़ें हुई थी वो तो ना सॉर्ट आउट हुई एंड दूसरी चीज़ें एक दूसरे के माइंड में कड़वाहट ज़्यादा बन गई। याद रखना जो ये कड़वाहट हर छोटे छोटे झगड़े में बढ़ रही है ना, ठीक है, वो एक दिन इतनी ज़्यादा बन जाएगी कि एक दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट होती है ना वो चली जाएगी, क्योंकि जितना अच्छा एक दूसरे ने एक दूसरे के कारण फील किया है उसके कारण वो रिस्पेक्ट बनी है। अब एक दूसरे के कारण एक दोनों बुरा फील कर रहे हो तो रिस्पेक्ट कम हो रही है, घट रही है। रिलेशन को बेटर बनाने के लिए आप दोनों दूसरी जो अच्छी आदत है जो अपने रिलेशन में ला सकते हैं कि हमेशा मौका ढूंढो और कभी ऐसा मौका जाने ना दो, वो है अपने पार्टनर को थैंक यू बोलने का। वैसे तो तुम बड़े समझदार हो, किसी अनजान पर्सन को उनकी छोटी सी चीज़ के लिए भी तुम थैंक यू बोलते हो ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि ये तो अपना पार्टनर है, अब वो हमें लगता है कि नहीं यार फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए, उसने हमारे लिए कुछ किया तो उसको पता है हमें अच्छा लगा है एंड वो जानते हैं कि इससे हम खुश हो रहे हैं तो हमें क्या फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत है कि हम उनको थैंक यू बोले। ये बात एकदम सही है आपकी कि उनको पता है कि आप खुश हुए हो, लेकिन ये बात भी 200% सही है कि अगर आप उनको थैंक यू बोलोगे तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चीज़ ना फील होती है एकदम से दिखती है, पता होना और रियल में वो चीज़ होना बहुत ज़्यादा फर्क है कि भाई छोटी सी चीज़ जो मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए करी है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, तो ना उनको मेरी इस चीज़ की कदर हुई है, मतलब उन्होंने नोटिस किया है, वो मानते हैं कि तुम कर रहे हो रियल में, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, तो जो चीज़ें हैं ना वो नोटिस हो रही है, ऐसे नहीं कि ऐसे ऊपर से जा रही है, उनको ये चीज़ एक्चुअल में पता चलेगी जब तुम थैंक यू बोलते हो। देखो एकदम सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी पर्सन की लाइफ में सबसे क्लोज पर्सन होगा ना वो अगर बहुत छोटी सी चीज़ करेगा या बहुत छोटी सी चीज़ बोलेगा तो उनके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती। तीसरी चीज़ कि एक हेल्दी रिलेशन का मतलब होता है दो हेल्दी लोगों से बना हुआ रिलेशनशिप। अब क्या होता है कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो फिर भी आप दोनों की अलग अलग लाइफ हो सकती है क्योंकि आप अलग अलग पर्सन हो,
समटाइम आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, समटाइम आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, एंड आपको लगता है कि वो अचानक से कुछ अलग बिहेव कर रहा है, रिलेशन में उनका ध्यान नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता अब आपके साथ कनेक्ट होना, जुड़ना, तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अगर वो पर्सन ही अभी सही नहीं है तो रिलेशन को सही बनाने अभी एफर्ट नहीं लगा सकता, यानी कि थोड़ा सा वो डिस्टर्ब रहेगा। तो ये सिचुएशन होती है अपने पार्टनर को समझने की। अगर तुम्हारे साथ ऐसे तो उनकी ये जवाबदारी है कि वो आपको समझे। तो कभी ऐसा एक्सपेक्ट ना करो कि नहीं यार उनके साथ गलत हो रहा है, तुम तो मुझे कॉल ही नहीं करते, तुम तो मेरी केयर ही नहीं करते। अभी उनको ज़रूरत है कि तुम उनकी केयर करो, इस सिचुएशन को संभालो। तो ये हमेशा माइंड में रखना कि ठीक है कि जब वो सही होगा ना तभी तुम दोनों के बीच में, या तुम दोनों सही होगे ना तभी ये चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में बात कर सकते हो। तुम दोनों ही अलग अलग चीज़ों से डिस्टर्ब हो तो ये रिलेशन तो डिस्टर्ब रहेगा, बट यही एक रिलेशन का मतलब है। लोग इसीलिए तो रिलेशन बनाते हैं, तभी आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि आपका पार्टनर ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। सबसे पहले वो तो सही है ना, उसके बाद बाकी चीज़ें देखी जाती है। चौथी चीज़ एक रिलेशन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्कनेक्ट फॉर कनेक्ट। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी होगी। अब क्या होता है कि अगर आप और आपके पार्टनर हमेशा साथ में रहते हैं, कहीं कभार मिले हैं, तो कहने का मतलब है कि आप कनेक्ट हुए हो, फिर भी आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो अपने पार्टनर से और कनेक्ट हो जाते हो फ़ोन में। तो चीज़ें क्या होती है कि आपका पार्टनर सामने बैठा है, वो कुछ कह रहा है, बता रहा है, तो उस टाइम पे आप अपने फ़ोन में इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो ये सही नहीं होगा। इसका मतलब ये कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लगेगा कि जैसे आप उनका अपमान कर रहे हो, जैसे आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। ऑफकोर्स लोगों को ऐसा आपसे फील होगा, आपको इस टाइम पे ना उनसे ही कनेक्ट रहना चाहिए, फ़ोन से कनेक्ट रहना नहीं चाहिए, वहाँ से डिस्कनेक्ट होना चाहिए। इवन जब वो आपको बोल रहा होता है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको उनको प्रॉपर अटेंशन देना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। लाइक उनको अच्छा लगता है कि यार उनको आप इम्पोर्टेंट दे रहे हो, भले वो मजाक करे लेकिन उनकी मजाक भी आपके लिए मायने रखती है। पर अगर वो कुछ छोटी सी बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ मैं तो बात कर रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है, तो लोगों को फिर लगेगा ही नहीं यार कभी कि आप सीरियस हो। तो जो उन लोगों की ये आदत बहुत बुरी होती है कि वो बात करते करते कहीं पर और ध्यान लगाते हैं, या अपने पार्टनर के साथ होते हुए वो चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके रिलेशन को डिस्कनेक्ट कर रहा है आप दोनों से। पांचवी चीज़, फ्यूचर गोल सेट फॉर योर रिलेशनशिप। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, इसके बिना एक अच्छा रिलेशन कभी बन ही नहीं सकता। क्योंकि क्या होगा कि आप दोनों, जैसे मैंने पहले कहा कि अलग अलग पर्सन हो पर एक रिलेशनशिप में हो, तो इस रिलेशन को आगे ले जाने के लिए आप दोनों का एक मत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ये रिलेशन क्यों बना है, इस रिलेशन का क्या मतलब है, इस रिलेशन का आगे का क्या विजन है, आगे हम इस रिलेशन को कैसे देखना चाहते हैं, किस जगह पे देखना चाहते हैं, और इसके लिए हम दोनों क्या क्या अपना योगदान देंगे। अदरवाइज तो ये होगा कि एक जा रहा है दिल्ली, दूसरा जा रहा है मुंबई, तो रिलेशन कहाँ जाएगा? रिलेशन दिल्ली और मुंबई के बीच में खो जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक से साथ तो रिलेशन नहीं जा सकता ना। रिलेशन तभी जाएगा जब दोनों साथ में चलेगा, और दोनों साथ में तब चलेंगे जब ये तय हुआ होगा कि कैसे आगे जाना है और कहाँ जाना है। ये जब रिलेशन में तय ही नहीं होता है तो उस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं होता, और जिस रिलेशन में फ्यूचर नहीं होता ना, लोग उस रिलेशन में कितना सीरियस होंगे आप ही बताए, नहीं हो सकते। तो ऐसी चीज़ें आपको पहले से देख लेनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी आदतें आप दोनों के रिलेशन को और ज़्यादा बेटर बनाने में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, अपने सबसे फेवरेट दोस्त को ये सेंड करो जिसको इनकी ज़रूरत होती है, एंड आप ऐसे फ्री में वीडियो और देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई लिंक से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच।